करनाल के सेक्टर 12 में आपकी रसोई नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके चलते पौष्टिक आहार 10 रुपए में मुहैया करवाया जा रहा है, जिसमें आहार बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर पौष्टिक का लुफ्त उठा रहे हैं। जेबीटी कल्याण समिति की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस कार्यक्रम की सराहना की जा रही है। अपनी रसोई कार्यक्रम के संचालक भारत भूषण कपूर ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो अंत्योदय योजना के तहत हर गरीब के घर में सस्ता खाना देने का संकल्प लिया गया है, उसी के तहत उन्होंने प्रेरित होकर यहां पर करनाल में मात्र 10 रुपए में सस्ता और पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर दूर दूर से आए लोगों ने अपनी रसोई में बैठ कर खाने का लुत्फ उठाया। यहाँ पर पहुंचे लोगों ने बताया कि यहाँ एक अच्छी पहल है जिससे लोगों को सस्ते में खाना मिल जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सस्ता खाना उपलब्ध करवाने के लिए सस्ते कैंटीन खोलने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर सस्ते कैंटीन खोलकर लोगों को पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाया जाता है। उसी कड़ी में करनाल में आयोजित अपनी रसोई भी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस पुण्य कार्य की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जेबीटी कल्याण समाज समिति की ओर से करनाल के सेक्टर 12 में आपकी रसोई के नाम से रसोई लगाई गई है। अभी हमारे साथ मौजूद है भारत, क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में? हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने 2018 फरवरी में गुड़गांव से अंत्योदय योजना के अंतर्गत, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शुरू की थी, उनके विचारों से प्रेरित होकर गुड़गांव में उन्होंने शुरू की थी ये। और वो लगभग 20 रुपए की थाली उस टाइम हरियाणा सरकार को कॉस्ट कर रही थी, जो कि उन्होंने 10 रुपए की थाली के हिसाब से उसमें उनको जो भी जरूरतमंद थे उनको आमजनों को भोजन वितरित किया। उसके बाद उन्होंने फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर में भी उसी तर्ज पर अंत्योदय योजना के अंतर्गत रसोई शुरू की। उसी से प्रेरित होकर हमने ये आपकी रसोई लास्ट रविवार हमने स्टार्ट की है। लास्ट रविवार हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, करनाल में कोई जानी मानी हस्ती है उनका देहांत हो गया था, तो आज फिर हमने ये शुरू किया और आगे हम इसको रेगुलर रखेंगे। प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हम यहाँ पर पौष्टिक नाश्ता सभी को जो भी आ रहे हैं, इसमें हम पूड़ी दे रहे हैं, आलू की सब्जी दे रहे हैं, हलवा दे रहे हैं और चाय दे रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेबीटी कल्याण समिति की ओर से मैम, यही कहेंगे कि ये हम जितना कर सकते हैं उतना करें और समाज के लिए अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और यही हमारी हमेशा इच्छा रहती है। क्या उद्देश्य है मैम ये 10 रुपये प्लेट रखने का? बस उद्देश्य है कि लोगों को सस्ते में। हमारे साथ मौजूद है जेबीटी कल्याण समाज समिति से नवीन कुमार, जो कि यहाँ की देख रेख करते हैं, सब कुछ देखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी रसोई के बारे में? आपकी रसोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें 10 रुपये में आम जनमानस को हम चाय नाश्ता देते हैं, और खाली चाय नाश्ता ही नहीं देते, पूरा हाइजेनिक तरीके से उसको आपने देखा होगा, हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। पूरे हमारे स्टाफ के, जेबीडी समाज कल्याण समिति के जितने भी सदस्य हैं सभी इसमें कार्यरत हैं। हमारे भाऊजी श्री भारत भूषण कपूर जी द्वारा समिति की तरफ से ये चलाया गया कार्यक्रम है। जैसा कि हमें पिछली बार महसूस हुआ था कि धूप में लोग खड़े हैं और वो खा रहे हैं, तो हमें महसूस हुआ इस बार हमने सारा वाटर प्रूफिंग टेंट लगाया है, जिससे कि धूप, पानी, बारिश से सभी जगह से बचाव किया जा सके। तो आज आपने देखा ही है कि भाई कुछ ही समय में बहुत इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी भारी भीड़ यहाँ पे पहुँची हुई है खाना लेने के लिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन में बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है, सब आए यहाँ पे, आए भी हैं, दर्शन नाश्ता करो। कहाँ से आए आप? मैं करना चाहता हूँ, समाज कल्याण की बात है, सेवा की बात है, और यही सेवा मैं चाहता हूँ कि हर भारतवासी करे। मंदिरों में करोड़ों का, लाखों का दान देने से, सोना चांदी देने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान राजी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इस तरह का अगर कोई भी गरीब आके, या यहाँ पे अमीर लोग भी हैं जो नाश्ता कर रहे हैं, 10 रुपये में अपना पेट भर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग लाखों करोड़ों का दान ना देकर 10-12 मंजिल मंदिर बनाने से या कुछ भी नहीं होगा। आप इसी तरह सेवा करते जाइए। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर मंदिरों में दान देना भी है, मंदिर के बाहर दान देना है, उनके नाम से देना है, तो आप
वहाँ के जो भी हैं दान देते हैं, ट्रस्टीज हैं या जो भी है उनको ना देकर। कुछ लोग आलोचना करते हैं, ये दिखावे के लिए करते हैं, ये करते हैं, उस बारे में क्या कहना? ये वही लोग आलोचना करते हैं देखो जिनकी दुकानों पे असर पड़ता है, जो 40 रुपए की प्लेट देते हैं, ठीक है, उसमें हमें 4 रोटी मिलती है, 2 सब्जी मिलती है और अच्छे से वो लोग पेट भी नहीं भर सकते। लेकिन अगर कोई इस तरह का कदम उठाते तो उनकी आलोचना स्वाभाविक है। खुद है करनाल के सेक्टर 12 में और यहाँ पर आपकी रसोई के नाम से रसोई चलाई गई है जिसमें बहुत ही सस्ते रेट पर प्लेट उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें खाने के लिए पौष्टिक आहार है और यह है मनोहर लाल खट्टर द्वारा अंत्योदय योजना की तर्ज पर चलाई जा रही है जिसको लोग बहुत ही सराह रहे हैं और यह है महंगाई के दौर में बहुत ही सराहनीय कार्य है। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ करनाल।